हेलो गाइज, आज हम जा रहे हैं मेले में और देबू भी आ रहा है। देबू का चश्मा है और घड़ी दिखाओ। ये देबू का घड़ी है और ये चश्मा है, देबू की टोपी है, देबू की शर्ट कैसी लग रही है सब बताना। और देबू को ना, देबू देखो हमारा कितना सुंदर है, कितना क्यूट सा बाबू है ना हमारा देबू। हेलो गाइज, हाय। हेलो गाइज, बोलो गाइज कैसे हैं? हाँ, मेरे बुआ के चैनल मंदिर के लिए तैयार हो रखा है। ये घंटी है, हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अब पाठ कर रहे हैं। पाठ होता है एक, मतलब मंदिर में पूजा होती है, अपनी अपनी पूजा करनी होती है। तो ये है यहाँ पर मंदिर में अभी ये पाठ शुरू हो चुके हैं और हम मैं भी पाठ कर रही हूँ। और इतने सारे लोगों का यहाँ पर पाठ है, जो लोग घंटी चढ़ाना चाहते हैं, जो भी मंदिर के लिए आप लाए हो, हम ये सब हम लोग चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतेः बृहस्पतिमिन्द्रवागणकं स्वस्ते स्वस्ति बद्रीनाथाय नमः, केदारनाथाय नमः, तुंगनाथाय नमः, चंद्रजीताय नमः, पंचनाम तैतीस कोटि देवी देवता शिकारी देवता नमो नमः। फिर दूर पकड़ के प्रार्थना कर ये देखिए, अब यहाँ पर घंटियों की जो पूजा होने लगी, इनको पहले गंगा जल से नहलाया जाएगा, इनकी पूजा होगी जो हम लोगों ने चढ़ाए हुए हैं, फिर इनको मंदिरों में ऐसे लटकाया जाएगा जैसे ये लटके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, पंडित जी अब इनकी पूजा कर रहे हैं और फिर इनकी पूजा होगी, आरती होगी, फिर इसको हम लोग यहाँ, मतलब पुजारी लोग जो भी हैं, इनको मंदिरों पर लटकाया जाएगा, फिर ये मतलब बजाने के ही काम आते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे मंदिर में आज पूजा हो रही है बहुत सालों के बाद। ये लेखो, ये लोग आटा गूंथ रहे हैं। कितने लोगों ने मिलकर गूंथा है ये आटा? अकेले गूंथा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कितने लोग खड़े हैं वहाँ पे? ये जवान लोग आटा गूंथ रहे हैं। सारा है सब कुछ। ये प्रधान जी है हमारे, प्रधान जी शक्ल दिखा दीजिए थोड़ा, गडेरा के प्रधान। और ये भंडार कर रहे, ये ककड़ी में ले जा सकते हैं? एक ककड़ी मेरे को अलाव है। अभी यहाँ पे पूरी उरी रखी जाएंगी, ये आटा वाटा है। हेलो बोल, हेलो बाय। डांस कर दे, चल कर तू डांस कर दे एक बार। हो ए, ऐसे नहीं बोलते। हाँ डांस करो, दोनों डांस करो। हाँ नहीं नहीं बिहार है, गीता देखो दे सकल लगा दे। कितने साल में मिनट है मेरा आने? 10-12 साल, 10-15-16 साल में मैं बिहार बार आजे मिनट दे। कभी सुंदर ही बिहार हाथे लेने की। हाँ लेने, यहाँ पूरी बनने लग गई है अभी। पूरी बन रहा है? हाँ, यहाँ कारीगर नहीं आते, हम लोग खुद ही बनाते हैं ना। पूरी भंडारी में अभी सब लोग, हम लोग बनाते हैं। ये मोदी जी देखेंगे, दुनिया देखेगी इसको। लोगों ने सब सब यही भोजन करेंगे आज। अच्छा, मतलब कितने लोग होंगे ज्यादा खाने वाले? 800 आदमी होंगे लगभग, शाम को भोजन। अच्छा, भंडारा भंडारा 11-12 बजे तक रात तक चलेगा भंडारा। 400 आदमी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अभी आएंगे लोग खाना खाने। और देखिए ये मंदिर है बहुत मस्त सा। ना ना अल्लाह नोन, ये है आज यहाँ पर भंडारा है। और जीवानी बार पहले रहा था यहाँ, चोरी नोन तब मिल गया पैर दिया मणि। अरे माओ ये देखो, 5-6 तलाक पे
ये ले सुना खोने तुम्हारे ये नए फैशन खोने क्या गानू लगा कुछ कुछ फसा का यहाँ चलना की फसा को मारना हाथ फसा को मारो थोड़ा फसा को मारो मैं वीडियो बनाऊंगी तब ये सब्जी मास्टर जय देवा क्या क्या सब्जी बैठ है मिक्स सब्जी है अभी पनीर बन रहा है अच्छा शाम को बकरा कटेगा बकरा बनेगा बहुत मस्त देख सकते हैं आप मैंने नथ पहनी हुई है कान के भी पहने हुए हैं और ये भी पहना हुआ है पूजा में ये देखिए ये सारा गोल्ड पहना हुआ है मैंने आज ये देख सकते हैं आप और मैं भी यहाँ दिखा रही हूँ आपको मेरा गांव कैसा है क्या है देख सकते हैं यहाँ मेरा मायका है और आप का आशीर्वाद पहुँचे ये हमारे इष्ट देवता गुरु देवता गुरु देवता का नवरात्रि अष्टमी का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है 10 दिन तक यहाँ पर 8 दिन तक यहाँ पर जो है ये भव्य आयोजन किया गया और आज सप्तमी के दिन जो आज सप्तमी के दिन जो है भंडारे का आयोजन किया गया है बड़े धूमधाम के साथ हमारे जितने भी चिन्ही बेटियां जिनको कहते हैं रिश्तेदार सबको निमंत्रण किया गया है और यहां पर दान गोदान पाठ सब चल रहा है और सबको गुरु देवता का आशीर्वाद पहुंचे और इसी के साथ कितने साल बाद हो रहे ये जो है तीसरे साल चौथे साल में किया जाता है जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसी हिसाब से हम लोग इसको मनाते हैं और बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया गया जब से नया मंदिर बना उसके बाद पहली बार इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पर सबको निमंत्रण दिया गया है और सब आएंगे और सब दर्शन पाएंगे और आप लोग जो आइए और अपना भंडारे का योगदान जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए आशीर्वाद है उनके लिए आशीर्वाद है जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए आशीर्वाद है और बाकी बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत पूरी बेल लूँ अपने भाई लोगों की पापा लोगों की हेल्प कर लूँ और भैया लोग हैं पापा लोग हैं दादी लोग हैं सब बना रहे हैं पूरी तो मिल लगा कि भाई एक दो पूरी मिले बढ़ा लें दो चार पूरी मिल बढ़ा लिया लेकिन सब काम तो भाई लोगों ने ही करा बहुत मस्त लगा मंदिर में आके हमें भी आज और मंदिर में बहुत ही भव्य मेला चल रहा है देख सकते हैं आप झांझर से क्यों निकाल बड़े बड़े इसलिए ये बनते हैं अच्छा अभी इतना आटा है इतनी पूरी बन चुकी है देसी जुगाड़ कंटर खोलने का इसे पूरा ढक्कन खोलना जुगाड़ में लग गाने देसी जुगाड़ ऐसे चलता है अच्छा मतलब ये करछी अर्छी के जमाने में लकड़ी अकड़ी का ऐसा क्यों हो रहा है मतलब ये होता है इसे घी और आटा नहीं चिपकता है इसमें से ऐसे टेस्ट कर जाता है अच्छा गुठली भी नहीं बनती होंगी इससे आटा बोला जाता है अच्छा आटा ही नहीं होता है जब घी में आटा अच्छा और इससे क्या फायदा होता है इससे ये पूरी को निकालने के लिए जब वो उसके पूरी को पलटा पलटा करने के लिए पकाने के लिए और निकालने के लिए भी होता है अच्छा ये पहले से चले आ रहे हैं पहले से इससे निकालते थे ना ये लकड़ी का बनाया जाता है अच्छा पता नहीं कैसे बनता है इसलिए बता रहे हैं क्यों जी माल जला जी माल जला मिस चलू बन पनीर और कद्दू की सब्जी बनी है। यहाँ पर देखो आप अब मंदिर में ना होम हो रहा है ये सारे लोग जो हैं इन्होंने 8 दिन का व्रत रखा हुआ है ये सारे लोग होम कर रहे हैं हमारे गांव में एक परंपरा रहती है कि होम यहाँ पर आदमी लोग ही करते हैं मैंने शहर में देखा हुआ है कि होम वहाँ पे औरतें भी कर लेती हैं लेकिन हमारे गाँव में ये अलाउ नहीं होता है यहाँ पे आदमी लोग ही हवन करते हैं ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा हवन चल रहा है
मस्त सा हवन हो रहा है यहाँ पर और देख सकते हैं आप ये पूरी बन रही है। यहाँ बन रहा है रायता, रायता बनने की तैयारी है। पकड़ रखा है हमने के ये है देखिए गाइज, यहाँ पे नींबू लगे हुए हैं और ये घर है, ये है मंदिर। ये मंदिर का ऊपर का हिस्सा है, देखिए मौसम कितना अच्छा सा हो रखा है, कितना प्यारा सा हो रखा है, कितना सुंदर सा बाबा आरती हो रही है, आपको दिखाते हैं। गाजे बाजे के जय जय फेरा लगाते हैं, यहाँ पर धूनी जलाई जाती है तो भगवान की, ये उत्तराखंड के बीच में देखें। होते हैं ये उत्तराखंड के बहुत बड़े देवता होते हैं गाइज, और इनकी बड़ी महानता होती है। आप अल्मोड़े में देख सकते हैं चिताई गोलो मंदिर है, ये हमारे कुल देवता हैं, बहुत बड़े देवी देवता माने जाते हैं ये। और यहाँ पे सारे बच्चे लोग भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। इतने सारे पूजन के लिए इकट्ठा हो रखे हैं, हम लोग कर रहे हैं कन्या पूजन और यहीं पर करना है सभी को। तो यहाँ पर मंदिर में जो हो रही है कन्या पूजा हो रही है, तो सभी लोगों ने बोला कि जितने लोगों का नवरात्रि का व्रत चल रहे हैं सब लोग यहीं पर वो कर सकते हैं कन्या पूजन। तो हम सभी ने यहीं पर कन्या पूजन किया आज, और सभी कन्याएं मिल गई थी थोड़ा बहुत, और वहीं पर सभी लोगों ने उनको दक्षिणा कन्या पूजन ये सारा काम हमने वहीं पर कर लिया था। ये बात सबसे अच्छी हो गई थी। फिर हम सभी लोगों ने मंदिर में कन्या पूजन करके और फिर खाना वाना खाया था मस्त, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं मंदिर में, गांव वाले भंडारे वाले जो भी हैं, ये भी दिन का खाना चल रहा है, बस दिन के खाने वाले इतने ही हैं। वीर बड़ा भंडारा जो होता है, पूरे गांव वाले जो हैं, पूरे गाँव वालों को इन्वाइट है, तो वो लोगों को रात में खाना खिलाया जाएगा। ये अभी हम लोग दिन में खा रहे हैं इतने लोगों को, मेरे थाली भाभी लोग खा रहे हैं, ये बांट रहे हैं। ओए कम कम खाना, दो ही खारी है, बर्त है तब भी कम कम खाया। सब्जी ला यार, ये सब्जी ला बस। ये हैं भाभी लोग,
ये सबसे बड़ी है, वो फिर है, फिर ये है रखी रहना बुआरी हानी। और ये हमारे ननद जी है और दिल्ली से आए हैं, आज पूजा है गडेरिया में, और आती है ये दीदी लोग है, वो भी दीदी लोग है, और मेरे बिलोनी के ससुर जी आ रहे हैं, बाबू जी आ रहे हैं, अब हम मिलाते हैं आपको वीडियो सारा। ये ब्योल परिवार है, हाँ भरा परिवार है हमारा, है कितना बड़ा पर्व के दिन हम मतलब मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रखे हैं आज, बहुत ही गजब का खेल हो गया है, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, पर्व हो गया है हमारा। आज ही आए हो आप? आज ही आ रहे हो? अच्छा, एक ही दिन पहले ले आया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब तो सबने खाना खा लिया, पूरी किसके लिए बन रही है? रात को? अच्छा सही है, आप लोगों का खाना भी पच रहा है। अब हमने खा लिया, अब रात के लिए बन रहे। और आज हमारे जीजा जी आए हैं। अच्छा, मैं जीजा जी को आज सालों में मिल रही हूँ। अच्छा, है ना, 20-25 साल में मिल रही होगी। 20-25 तो नहीं होगा, हो गया होगा इतना, मेरी शादी में आए थे, 15 साल तो मेरी शादी को हो गए। अच्छा, आज आए हैं हम, देखो मेले में बहुत मस्त चलाओ। यहाँ पर मेले में सुरेश गड़िया जी को बुलाया गया, विधायक जी को, और देखिए सुरेश गड़िया जी आई हुई हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है, और ये लोग भी मेला एंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम की आरती चल रही है, दिन का कंप्लीट होके और ये शाम की आरती चल रही है, और सबसे बड़ी बात होगी कि सुरेश गड़िया जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ आपको। नए ब्लॉग में होगा जोड़ा, चाचरी, खाना पीना, कीर्तन, भजन, ये सब।